हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे। तो फ्रेंड्स, ये है वो जगह रस्तोगी प्रिंटर्स एंड बाइंडर्स, जहां हम बार बार पीछे भी छुट्टी मैंने ली थी तब आते थे। नमस्ते, हो गया। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी वो धरोहर जिसके पीछे हम इतने दिन से लगे हुए थे और तैयार कर रहे थे, और फाइनली ये कंप्लीट हो गई है और अंकल जी ने बाइंड कर दिया है मेरी थीसिस को। तो इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही थी क्योंकि बार बार आना जाना पड़ रहा था और कुछ भी कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो मैं वेट कर रही थी कंप्लीट होने का। मतलब इतने हम लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमें इतना परेशान होना पड़ेगा। अगर ये है ना मंडल फोन नहीं होता तो आपको वैसे ही परेशान था, तुम लोगों को फिर मुझे आने की नहीं जाना। मतलब इतना राउंड मैं ऐसा है कि आपको आ गया ना तो आपको मेल कर देते या पकड़ देते। तो फाइनली ये तैयार हो गई है और ये देखिए, इसी के लिए हम इतने परेशान थे। करवा के आ रहे हैं कुलदीप सर, वेलकम। आप कहाँ थे आज? अभी मैंने जो प्राकथन था वो चेक किया था, उसमें नहीं था, मुझे नहीं मिला। मतलब कि जो हमने ठीक किए थे, ठीक थे वो। तुम जगह रही हो। लड्डू खाओ। अब कुलदीप सर के साथ साथ इनको भी पसंद आ रहे हैं लड्डू, कह रहे हैं इनका तो स्वाद ही अलग है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो बदला कर लेते हैं फिर लो। खाओ लड्डू। मेरी थीसिस को कंप्लीट कराने में जो आपने सहयोग किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने आराम से गाड़ी में बैठी रहती थी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद मैं अपना वापस ले लेती। क्या कह रहे थे? बोल जाएंगे मैं सर को बिल्कुल भी थैंक यू नहीं बोलूंगी, क्योंकि थैंक यू बोलने से जो भी होता होगा एहसान एहसान में उतर जाता है, तो मैं तो उतारना नहीं चाहती। मैं इसको बिल्कुल अपना मानना ये है, मैं थैंक्स वो होगा कर्ज के रूप में लेना चाहती हूँ। पीएचडी अवार्ड हो जाएगी, हो जाएगी बिल्कुल। चलिए, और आपसे मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बहुत बहुत ज्यादा। एक बार मतलब इतनी मदद करी है यहाँ, बहुत ज्यादा आपका हो सकता है। धन्यवाद तो मैं आपको बोलूंगी नहीं, लेकिन जितना मुझे लगा कि यहाँ करना चाहिए उतना मैंने किया। अगर इतना काम हम घर आ गए हैं, और वैसे भी आज तो हम जल्दी आ गए हैं, फिर भी 9 बजे चल दिए थे, वरना हम लोग 10:30 बजे 11 बजे से चलते थे तो देर हो जाती थी। और आते आते रास्ते में काव्या भी सो गई। ये है हमारी वो धरोहर जिसके लिए हम इतने परेशान थे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे तो सब इसी में पैक हो गया है, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ यार, सपोर्ट किया करो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।